मुझे बहुत खुशी हुई आज कि आज मेरे परम प्रिय दोस्त हिंदुस्तान के एक बहुत प्रसिद्ध और काबिल लीजन एक्टर अनुपम खेर जी इंस्टीट्यूट में आए बॉलीवुड में. उन्होंने बच्चों को आज वो बातें बताई जो शायद मैं आज तक नहीं बता सका. एंड इट वॉज अ वेरी वैल्यूएबल सेशन फॉर अस फॉर स्टूडेंट्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अनुपम जी फॉर बींग हेयर विद अस सर. मैंने सुभाष जी से ज़िंदगी के बारे में एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है. और क्योंकि टीचर बन के सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है ज्ञान बांटना, ज्ञान देना नहीं. और ज्ञान देने के लिए और ज्ञान बांटने के लिए ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, ज़िंदगी किस दौर से गुजरी है. तो मैं बहुत प्रभावित हूँ और इम्प्रेस्ड हूँ और बहुत ही थैंकफुल हूँ सुभाष जी का कि इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त विस्लिंग वुड का ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है. हर वेरियस फैकल्टीज़ में 7 डिफरेंट स्कूल्स हैं इनके. तो क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सालों तक अनपढ़ लोग भी एक्टर बन सके, नॉट फॉर देयर फॉल्ट बट था ऐसा. अब ऐसा दौर आ गया जहाँ पर अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो आपकी जो कार्यकाल है एक्टर बनने का वो थोड़ा छोटा हो जाएगा बिकॉज बहुत कॉम्पिटिशन है. तो उस मामले में इनका योगदान, मैंने भी जो अपना छोटा सा स्कूल खोला है वो कनेक्ट हुआ. स्टूडेंट्स तो सब जगह ज्ञान लेने आते हैं तो हम मैंने यही डिस्कवर किया यहाँ आके कि इतना अमेजिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पर शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए इन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि आने वाली जनरेशन के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, राइटर्स, एक्टर्स सब यहीं से आएंगे, सब यहीं से सीखेंगे और लोगों को अच्छा लगेगा कि पढ़े लिखे लोग अब इस प्रोफेशन में आ रहे हैं. मुझे अपना याद आया जब मैं 20 साल का था तो एक्टिंग करता था. मैं उनका एज ए वेटरन नहीं जज करता हूँ. मैं सोचता हूँ कि जब मैं करता था 20 साल का था तो उससे तो उन्होंने 1000 गुना अच्छा किया. ऐसा नहीं है कि आज मैं 508 फिल्में कर चुका हूँ तो अब मैं इनको जज करूँगा. आई थिंक बहुत मादा चाहिए, बहुत गट चाहिए 2 फिल्म के हस्तियों के सामने और 500 स्टूडेंट, 300-400 स्टूडेंट्स के सामने परफॉर्म करना. दे वर फैंटास्टिक. टॉयलेट एक प्रेम कथा सिर्फ फिल्म नहीं है, एक मूवमेंट है. और जैसा कि अक्षय हमेशा कहते हैं कि फिल्म चले ना चले लेकिन अगर 10% लोग भी इससे प्रभावित हो जाएं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. बट इट्स ए वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, बहुत हंसी आती है. एक मैसेज को बहुत ही एंटरटेनमेंट ढंग से कहा गया है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि 11 अगस्त को दुनिया इस फिल्म को देखेगी और सराहेगी. मैं तमाम उन लोगों का जो रात को दिन को जागते हैं, पहरा देते हैं ताकि हम सुरक्षित महसूस करें. ये स्वतंत्रता दिवस 70वां उनके नाम. जय भारत, भारत माता की जय.